की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 8 जून को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्रिमंडल और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की, जिसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल एनडीए की हुई बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। अब 7 जून को एनडीए की होने वाली बैठक में उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और 18वीं लोकसभा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हुई। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुना गया। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए ऐतिहासिक जनादेश मिला है। तो पीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई है। तमाम घटक दल इस बैठक में शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। अब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी 7 जून को और माना यही जा रहा है कि एक बार फिर से उन्हें संसदीय दल का नेता उस बैठक के बाद चुना जाएगा। एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये कहा है कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में हम काम करेंगे। हम भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक के बाद ये ट्वीट किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाएगा और इस बीच उन्होंने ये भी दावा किया है कि 140 करोड़ लोगों की हम सेवा करेंगे और उसी दिशा में हम काम करेंगे। तो पीएम आवास पर हुई एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत बड़े नेता शामिल हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सभी छोटे बड़े सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। सरकार बनाने के मुद्दे पर बातचीत होगी। तो आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले तमाम बैठकों का दौर जारी है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया, हम मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बिना देरी के सरकार बननी चाहिए। सबसे पहले तो हम बिहार की जनता और गया की जनता को आप लोगों के माध्यम से शुभकामना और धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और रही बात, हमको आज यहाँ बैठक की कोई सूचना नहीं थी, अभी आते आते हाथ लगी है सूचना कि 3:30 बजे वहाँ बुलाए गए। वैसी परिस्थिति में हम लोग का एजेंडा ही सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम लोगों का जो फिक्स्ड है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो हम लोग तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी ही हम लोगों के नेता होंगे। और जहाँ तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम लोग हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। साथ कांग्रेस दौरे डाल रही है नीतीश कुमार के ऊपर, अब कौन का कर रहा है उसकी मानसिकता के बारे में हम नहीं कर सकते। आज एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार और तेजस्वी आए, चाचा भतीजा एक साथ बैठे हुए थे, उसको लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई है। अटकलबाजी आप लोगों की बात है, वो कोई भी आदमी एक फ्लाइट में एक बस में जा सकते हैं, उसमें कोई इसके लिए नहीं है। उन लोगों का भी समर्थन की घोषणा हो चुकी है जदयू के लोगों की। का फासला कम हो जाएगा। इस वक्त विपक्षी गठबंधन के पास 234 सांसद हैं। इस हिसाब से उसे 272 तक पहुंचने के लिए 38 और सांसदों की जरूरत होगी। लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन एनडीए में शामिल टीडीपी और जेडीयू को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाता है तो जादुई आंकड़े से दूरी काफी कम रह जाएगी। विपक्षी गठबंधन के 234 सांसदों में अगर टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद मिल जाएं तो आंकड़ा 262 तक पहुंच जाता है, जो सरकार बनाने के बहुमत के आंकड़े से 10 कम होगा। लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन को अन्य के 10 सांसदों का साथ भी मिल गया
तो उसकी नैया पार लग सकती है। यानी विपक्षी गठबंधन के लिए सरकार बनाने का काम छोटे दलों और निर्दलियों की मदद से मुमकिन हो सकता है। लेकिन एक संभावना यह भी है कि अगर जेडीयू और टीडीपी किसी वजह से एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों दलों के साथ छोड़ने के बाद एनडीए बहुमत के आंकड़े 272 से नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर एनडीए का केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना बिखर सकता है, और इसीलिए विपक्षी गठबंधन किसी तरह एनडीए के कुनबे में सेंध लगाने में जुटा है। एक रोज पहले भी विपक्षी गठबंधन के टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से संपर्क करने की खबरें सामने आई थी। इसके पीछे की वजह यह है कि बीजेपी के पास अपने दम पर इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस बार 240 सीटों पर सिमट गई, जो सरकार बनाने के आंकड़े 272 से 32 कम है। वहीं एनडीए में शामिल टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें। एनडीए के 292 में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद हटा दिए जाएं तो यह आंकड़ा 264 हो जाएगा, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 8 कम। मतलब अगर ये दोनों पार्टियां निकली तो फिर एनडीए के पास सरकार बनाने के आंकड़े भी नहीं बचेंगे। लेकिन अगर किसी तरह अन्य के 17 सांसदों में 8 सांसद भी एनडीए में शामिल हो जाएं तो वो जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब हो जाएगा। मतलब जेडीयू और टीडीपी के हटने के बाद बचे 264 में अन्य के 8 सांसद जोड़ दिए जाएं तो एनडीए की सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर एनडीए में टूट नहीं होती है और अन्य के कुछ सांसद जुड़ते हैं तो जेडीयू और टीडीपी की मोलभाव करने की ताकत भी कम हो जाएगी। और किंग मेकर माने जा रहे हैं इन 17 सांसदों में, सांसदों पर सबकी निगाहें उन सांसदों पर जाकर जम गई जो निर्दलीय चुनाव जीते, क्योंकि माना जा रहा है कि चाहे एनडीए हो या फिर विपक्षी गठबंधन, ये 7 निर्दलीय सांसद खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन 7 निर्दलीय सांसदों में भी जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है पप्पू यादव। उन्होंने बिहार की हॉट सीट पूर्णिया से चुनाव जीतकर अपनी अहमियत साबित कर दी, क्योंकि बिहार की इस पूर्णिया सीट के नतीजों पर सबकी निगाहें जमी हुई थी। यह मुकाबला साक का था। माना जाता है कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। दावे के मुताबिक डील ये थी कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह सीट गठबंधन के तहत आई आरजेडी के हिस्से में और आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को उतार दिया था। इसके बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरते हुए ये तक कह दिया था कि लालू यादव ने उनसे बदला चुकाने के लिए ऐसा किया। हालांकि आखिर में पूर्णिया से पप्पू यादव की ही जीत हुई। माना जा रहा है कि पप्पू यादव विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकालने के मामले में चुप्पी साध रखी थी। लेकिन पंजाब में यह रास्ता इतना सीधा और सरल नहीं नजर आया। वहां जिस सीट पर पेच फंसा वो है पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट। उस सीट से खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। खडूर साहिब लोकसभा सीट। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं।